तो गाइज एक बार फिर से आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम जहानाबाद जाने वाले हैं, एग्ज़ाम है बिहार पुलिस वाला, तो उसी में किसी का एग्ज़ाम दिलवाना है। तो चलिए हम चल के जहानाबाद मिलते हैं, क्योंकि रास्ता में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, सिंगल जाना है और बाइक भी चलाना है, तो एक हाथ से बाइक चलाना और एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना खतरा से खाली नहीं होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको जहानाबाद मिलेंगे। और वैसे भी रास्ता में कुछ खास दिखाने लायक है नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसमें मैं एक अपडेट देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। कैंडिडेट को सेंटर पर छोड़ करके हम लोग रेस्ट करने के लिए जहानाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में आ गए हैं। साथ में मेरी बेटी भी है जो अभी सो रही है। आप लोग भी देखिए क्रिकेट स्टेडियम का नज़ारा, सामने में नेट बना हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, जो खिलाड़ी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं एकेडमी में। और इधर साइड में आपको रोलर मिलेगा जो पिच को रोल किया जाता है इसी से। और इधर एक है, दो रोलर लगा हुआ है, लेकिन एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया कि ये रोलिंग होता किस चीज़ पर है। पिच तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपको वीडियो में शायद नहीं हिसाब से दिख रहा होगा, लेकिन पिच हमको कहीं दिखाई नहीं दिया कि एक प्रॉपर पिच बना हुआ है जिस पे मैच वगैरह हो। क्या खेला ये जहानाबाद जिला क्रिकेट एसोसिएशन है। अब यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग गया था। स्टेडियम के बाहर भी एक ग्राउंड बना हुआ है जिसमें लोग क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ने के लिए भी आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं सुबह सुबह के टाइम में। बस स्टैंड के पास में मोड़ पर एक दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं घूमते घूमते पटना से डोभी को जोड़ने वाली गया हो करके जो निकलेगी, और उस 4 लेन पे जो नया नया अभी बन रहा है, अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन 90% काम हो गया है। आप लोग देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ जिस पे जहानाबाद बाईपास का कार्य प्रगति पर है, अनाधिकृत वाहन एवं व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। मतलब अभी पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन लगभग लगभग 90% काम हो चुका है, क्योंकि 2024 के पहले जो इलेक्शन आने वाला है उसके पहले इसका उद्घाटन करना है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कैसा किस तरह से बना है कुछ दूर तक। ये पटना से डोभी तक जाएगा 4 लेन, डोभी को जोड़ेगा जा करके जो आगे GT रोड बना हुआ है उसमें, और फिर झारखंड के लिए उधर बनारस के लिए निकल जाएगा, वहां से GT रोड होते हुए आगे औरंगाबाद। लगभग लगभग हर जगह इतना हो चुका है, कहीं कहीं कुछ जगह पे जो डाइवर्सन बना हुआ है उसको कम्प्लीट कर रहा है, और कहीं कहीं ओवरब्रिज जो बनना है उसको कम्प्लीट कर रहा है। ओवरब्रिज में टाइम लग रहा है, नहीं तो लगभग मतलब 90% काम हो ही चुका है। इधर सीधा गया निकल जाएगी और इसके उल्टे साइड में पटना है और इधर जहानाबाद है। जहानाबाद से लौटने के बाद हम अपने बेटी के साथ घूमने बाहर निकल गए थे, एक पार्क बना हुआ है उसी गांव में जहां पे हम रुके हुए हैं। फुटल है, फुटल है बा, ऐसे फुट गए, तू फोड़ लो, हूँ तू फोड़ लो। मम्मी ये पैसा
उन्हें ना जा कौजी बेटा कौजी खोली बा कौजी कौजी है तो गाइज आज हम घर आ गए हैं जहानाबाद से रिटर्न होकर के, और आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर एक गिव अवे रखने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और बहुत ही जल्द उसका एक स्पेशल वीडियो बना करके बता देंगे कि उसमें कैसे भाग लेना है, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, सारा जानकारी एक वीडियो के थ्रू दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।